पौराणिक वैदिक ग्रंथों में जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान हमारे इस जीवन को जीने का सबसे मूल्यवान और सबसे वैल्यूबल ज्ञान है, जो हमें ये बताता है कि हम अपने इस जीवन को सबसे अच्छे तरीके से और सबसे संपूर्ण तरीके से अपने इस जीवन को कैसे जी सकते हैं। इसका विज्ञान हमें वैदिक ग्रंथ देते हैं। वैदिक ग्रंथों को माना जाता है कि वो हमारे जीवन का, जैसे किसी भी मशीन के साथ या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे एक मैनुअल आता है, उस मशीन को सबसे उत्तम तरीके से कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में गाइडेंस और नॉलेज जैसे किसी मैनुअल में दिया गया होता है, इसी तरह कहा जाता है कि हमारे जीवन को सबसे उत्तम तरीके से जीने के लिए जो सबसे गहरा विज्ञान और मैनुअल जो हमारे जीवन का है वो वैदिक ग्रंथ हैं। वैदिक ग्रंथों में बहुत बहुत वैल्यूबल साइंसेस के बारे में बताया गया है। इन्हीं साइंसेस के अंदर एक साइंस है जो कि हमारे इस शरीर के बारे में बताती है कि हमारा जो ये शरीर है ये एक तरह का एक मशीन है। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि हमारा जो ये शरीर है इसमें बाहर जो शरीर लोगों को नज़र आ रहा है जिसको कि हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो कि कुदरत के नेचर के 5 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ एयर वाटर फायर एंड ईथर, अग्नि वायु जल आकाश और धरती, इस चीज़ों से जो ये शरीर बना है ये हमारा एक हार्डवेयर है। और इस शरीर को अंदर से चलाने वाले जो हमारी इंटरनल एनर्जीज अंदर की जो ऊर्जाएं होती हैं उसको हमारा सूक्ष्म शरीर कहा गया है, जो कि हमारे इस कंप्यूटर का, आप कह सकते हैं इस मशीन का एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है। हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे शरीर के एक तरह के एक एंटीना होते हैं, एक रिसेप्टर्स होते हैं जो कुदरत की एनर्जीज को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और उसके हिसाब से हमारा ये शरीर रिएक्शन देता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पे हमें एक, हर इंसान को एक बहुत यूनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस अंदर की ऊर्जाओं का, इन चक्रों का एक बहुत यूनिक कॉन्फ़िगरेशन हर इंसान को मिलता है कुदरत से, नेचर से, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जो परिवार मिलना है, जो हमें और सर्कमस्टांसेस मिलने हैं, इसी तरह हमारे को आंतरिक एक बहुत यूनिक एक हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है सॉफ्टवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम ग्रहों की एनर्जी से हमारा ये शरीर, हमारे लाइफ बहुत हद तक कंट्रोल्ड होता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में ग्रहों के वजह से एक हमें कंट्रोल मिलता है, हमारा शरीर रिएक्ट करता है ग्रहों की एनर्जी से। हर ग्रह का, हर इंसान अपने इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से उन ग्रहों के एनर्जीज को हम लोग रिएक्ट करते हैं। वैदिक ग्रंथों के अंदर एक विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, जिस विज्ञान की मदद से हम लोग इन ग्रहों का क्या प्रभाव हमें जीवन में मिला है इसको हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। और एक बारी हम समझ जाएं कि कौन से ग्रह हमारे जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी कुंडली को देख के एक अच्छा ज्योतिष आचार्य जी, एक अच्छे विद्वान ज्योतिष आचार्य जी ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि ग्रहों का क्या रोल हमें मिला है, तो हम अपने इस शरीर की, हमने सूक्ष्म शरीर की अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऐसे हम रेमेडीज़ कर सकते हैं हमारे इन वैदिक ग्रंथों में बताई गई हैं, जिन रेमेडीज़ से हम अपने अंदर के इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम काफ़ी हद तक अपने इन चक्रास को, अपने इन 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 एंटीनास को हम लोग काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इन उपायों के अंदर एक उपाय है जिनका नाम है रत्न धारण करना, एक उपाय है मंत्र साधना करना, एक उपाय है ग्रहों की शांति पाठ और यज्ञ कराना, एक उपाय है रुद्राक्ष धारण करना और एक उपाय है दान करना।
इन उपायों से हम अपने जीवन की अंदर की एनर्जीज को काफ़ी हद तक हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत हम बेहतर कर सकते हैं। किंतु सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में है, सबसे पहले तो एक अच्छे विद्वान और जेन्युइन ज्योतिष आचार्य जी मिलना, जो कि आपके इस ग्रहों की, आपकी इस इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मिला है, ग्रहों का क्या रोल आपके जीवन में मिला है, क्या हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसको हमें बता सके, इसको सही से समझ सके, वो ज्योतिष आचार्य जी मिलना सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में शुद्ध वैदिक क्वालिटी के रत्न मिलना, जो सचमुच ग्रहों की एनर्जीज को ठीक कर सकते हैं, और फिर उसको पहनने का, धारण करने के जो रीति रिवाज, जो रिचुअल्स हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, सही मायने के वो रिचुअल्स फॉलो करना या वो मिलना, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है। रत्नों का शुद्धिकरण, रत्नों का प्राण प्रतिष्ठा, किस क्वालिटी का रत्न धारण करना है, किस मुहूर्त में धारण करना है, किस इंसान को किस वजन का धारण करना है रत्न की उनको सही असर मिल सके। अलग अलग ज्योतिष आचार्यों जी के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं सिर्फ 7 रत्ती का रत्न धारण करो, कोई कहते हैं आप अपने शरीर के 10% के आसपास का रत्न धारण करो। साउथ इंडिया में लोग बहुत छोटे साइज़ के रत्नों का प्रचार कर रहे हैं, जैसे 1 या 2 कैरेट के रत्न ही धारण करिए। तो बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में, बहुत लोगों को अलग अलग टाइप का ज्ञान है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग आज की डेट में इस वैल्यूबल और इस महान विज्ञान का सही में अपने जीवन में फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोगों ने प्योर वैदिक साइंस एंड रिसर्च सेंटर पे पिछले कुछ वर्षों में बहुत रिसर्च करी है, बहुत हमने डीपली हमने लोगों से फीडबैक लिए हैं, रत्नों की क्वालिटीज़, रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा, रत्न किस कंट्री के ओरिजिन के हैं, उसमें किस तरह के कुदरत की तरफ से अशुद्धियाँ आ जाती हैं रत्नों में, जिस वजह से उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स आज मार्केट में रत्नों में आ रहे हैं। फिर रुद्राक्ष, जो एक और बहुत अच्छी चीज़ है अपने ग्रहों को और अपने चक्रों को की ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए, उन रुद्राक्षों में भी आजकल इतनी मिलावट आ रही है। मोस्टली रुद्राक्ष जो मार्केट में बिक रहे हैं वो असर नहीं दे पा रहे हैं, उसमें एनर्जी नहीं है। उसके बाद जब कोई ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो अगर उसका शांति पाठ और यज्ञ लोग करा रहे हैं तो उनको उसका प्रभाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत डीप विज्ञान है कि शांति पाठ और यज्ञ कराने के लिए जिन पंडितों से आप शांति पाठ और यज्ञ कराते हैं, वो पंडित जी, वो ब्राह्मण लोग बहुत अपने जीवन में सात्विक मानसिकता के होने चाहिए, प्रॉपर रिचुअल्स के हिसाब से असली घी और असली जड़ी बूटियों से यज्ञ करना चाहिए। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, करने का समय होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में बहुत मुश्किल से लोगों को मिल पा रही हैं, और सही एंशंट तरीके से, सही वेदों के ज्ञान के अनुसार, अगर आप अपने जीवन में सही उपाय तरीके से कर पाएँ, तो आपके जीवन में इन ग्रहों की एनर्जीज़ को आप बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपके जीवन में करियर के अंदर, हेल्थ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकता है। आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ें, हमारे वेबसाइट के साथ जुड़ें, हमारे कस्टमर केयर के टीम को आप कांटेक्ट करें, अगर आप इन इन एंशंट विज्ञानों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं और अपनी कुंडली को अच्छे विद्वान ज्योतिष आचार्य जी द्वारा चेक करवाना चाहते हैं, और उसके बाद किस तरह से, कौन से वजन का, कौन सी क्वालिटी का रत्न, कैसा रुद्राक्ष, कौन से मंत्र साधना और कौन से यज्ञ से आपके जीवन में बहुत आप इन ग्रहों की एनर्जीज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे टीम से, हमारे कस्टमर केयर के लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी बहुत वैल्यूबल ज्ञान आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।